नवरात्र चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। उम्मीद करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवती माई सब लोगों पर कृपा बनाए रखे, आप लोगों के जिंदगी को खुशहाल बनाए और तरक्की के रास्ते पर लेकर के चले। लेकिन एक बात समझिए, हम खुद कलश बैठाए हैं, कलश बैठाने के वक्त संकल्प लिया जाता है और हमने नवरात्र में संकल्प लिया है। देखिए कितने बुढ़ा लोग बुजुर्ग लोग, वृद्धा पेंशन मिलता है नहीं मिलता है? देखा बुजुर्ग बाबा हाथ हिला हुआ करे ना मिलेगा, नहीं ना मिलता बाबा। अच्छा लोग जिसको मिलता भी है तो 400 में मिलता है। तो अपन बेटा के आशीर्वाद दी, सरकार बनाइए 400 से 1000 कर देंगे वृद्धा पेंशन। अभी महंगाई के जमाने में 400 से काम चलने वाला है क्या? तो हम 1000 रुपया करेंगे, समय पे आप लोगों को दिलवाएंगे। हम नया सोच के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हर जात हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम मुद्दे की बात करेंगे, कोरोना काल का जिक्र किया, जितना लोग कोरोना से मरा नहीं मरा तो लोग भूखे और नंगे पांव चलते थे, रोड एक्सीडेंट में मर गया, ट्रेन से कट के मर गया, दुख के घड़ी में मुंह फेर लिया इस सरकार ने। तो आप लोग सोचिए, 2000 किलोमीटर चले, पैरों में छाले आ गए, वहां क्या दैनीय स्थिति थी। बैठक में पहला कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, पहला मीटिंग में पहला कलम से। तो कितना सुनाई नहीं दे रहा, सब लोग बोले कितना नौकरी, कितना के भीतर भीतर बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितना स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, विकास मित्र है, आपका आशा वर्कर है, जितने स्वयं सहायता समूह है उन सबका नियमित हम लोग करने का काम करेंगे, मानदेय 4000 तक करने का काम करेंगे। जितने नियोजित शिक्षक लोग लाठी खाए, जितने नियोजित शिक्षक लाठी खाए उन सब लोगों को समान काम समान वेतन मिलेगा, समान काम समान वेतन। तो इसलिए नीतीश जी बोलो, नीतीश कुमार जी आएंगे क्या कहेंगे कि लालटेन का युग गया, एलईडी का युग आया। तो नीतीश जी को याद दिला दे कि तीर का भी युग गया, तो मिसाइल का युग आ गया है।